राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम का, प्रेम की, कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स के लिए नरेंद्र ढंग जी, सुजल कपूर जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स सेंड किया। तो देखते हैं कि 12-12 पोर्टल के पे क्या होने जा रहा है। ओके, और 12-12 पोर्टल के बाद क्या होने जा रहा है। आज की जो रीडिंग है स्पेशली इसी चीज पर है कि अभी आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको कल का दिन और आगे आने वाले दिनों में, ये कुछ दिनों के अंदर अंदर क्या चीजें आपकी लाइफ में चेंज होने जा रही हैं, क्या होने वाला है। ओके, जैसा कि मैं यहां पर देख रही हूं, जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं, द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जहां तक कि जोडियस साइंस की बात है तो यहां पर मैं देख रही हूं खासकर सभी जोडियस साइंस हैं, लेकिन जो मीन है वो क्या है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, ओके, फायर साइन है, वॉटर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियन, जो मैं खासकर यहां पर देख रही हूं। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जो अभी तक आपके ऊपर, जैसे कि कुछ स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, या कुछ गंदी नजर, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी चीजों को रोक रहा था, किसी की नजर आप पर थी लगातार, और इसी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, है ना। लेकिन अभी क्या मैं देख रही हूं, वही चीज उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया जो बहुत ही गलत था, कर्मा क्रिएट किया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दुख में, मतलब आपको दुख में डाला, आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत की, उन लोगों के साथ जो अभी होने वाला है वो है कर्मा। लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, रुकावटें पैदा की, आपको रुलाया, आप पर स्पेल्स किए, गंदी गंदी क्रियाएं की, और बहुत कुछ ऐसा जो आपके साथ बहुत गलत, मतलब आपके लिए बहुत चीजों कि को रोका गया, बंदिशें डाली गई, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में गलत तरीके से क्रिएट की, ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न्स, ये वक्त है उनके, उनको अब अपने कर्मों की हर तरह से, चारों तरफ से उनके ऊपर एक डंडे बरसने वाले हैं शनिदेव के, क्योंकि अब सभी उन लोगों को कर्माज रिटर्न्स मिलेंगे, चाहे अच्छे आप लोगों को भी मिलेंगे, उन लोगों को भी मिलेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको गलत मिलेंगे, ऐसे लोग अब आने वाले वक्त में पछताने वाले हैं, टेंशनों में खुद जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया वो उनके ऊपर नेचुरली क्रिएट करने वाली है ये नेचर, ये प्रकृति, वो यूनिवर्स, हर चीज वापस लौटा के देता है, जो भी देते हो आप उनको हर चीज वापस लौटा के देता है। तो इस वक्त पर ऐसे लोग जिन्होंने आपको दुख दिया, आपको ब्लॉक किया, या आपको गलत चीजों में डाला, उन लोगों के लिए आने वाले टाइम में, या जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपको रुलाया, ऐसे लोगों के साथ क्या होने जा रहा है, उनको अब आपकी अहमियत का पता चलने जा रहा है। अब उनको आपकी पुरानी यादें सताएंगी, उनके मन के अंदर वो चीजें आएंगी कि क्या उन्होंने किया। जैसे ही उनके ऊपर से, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर स्पेल्स किए गए थे, ऐसे लोग जिन्होंने आपको दुख दिया और दुख देने में जरा भी दया नहीं दिखाई, बिल्कुल भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप पर क्या बीत रही है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके सच्चे प्रेम को नहीं समझा, ऐसे लोग जिन्होंने आपको, आपके कनेक्शन को नहीं समझा, ऐसे लोग जिन्होंने बिल्कुल भी इस
चीज से कि अवेयरनेस नहीं रखी कि आप एक मनुष्य तत्व में हैं। अगर आप एक मनुष्य अच्छे संस्कारी संस्कारों में हैं तो कैसा बिहेव करना चाहिए, एक इंसान को एक इंसान के साथ क्या बिहेव रखना चाहिए। जो लोग ईश्वर को भूलकर डेविल एनर्जी के साथ एक अलाइन हुए थे, जिन्होंने ईश्वर पर फेथ करने की बजाय डेविल पर ज्यादा फेथ किया था, आने वाले वक्त में उनको कर्मा रिटर्न्स मिलने वाला है। और ऐसे में क्या होगा कि उसको, उस पर्सन को जिन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपको छोड़ कर गए, आपको नहीं समझा, आपके कनेक्शन को नहीं समझा, ऐसे लोग इस हर तरह की मोह माया से निकल कर अपनी सद्बुद्धि में आकर, मतलब उनके ऊपर से हर तरह के अटैक्स, जो उन्होंने स्पेल या कुछ ऐसी चीजें भी कुछ लोगों ने कर रखी थी, वो भी हटने जा रहा है। और जब ये चीजें होंगी तब उस इंसान को समझ आएगी कि ये क्या हो गया। उसको पुरानी से पुरानी आपकी यादों में वो घिर जाएगा, उसको समझ आएगी, अपने कनेक्शन के प्रति अवेयरनेस होगी। और ऐसा इंसान अपने हर तरह की ईगो को छोड़कर, हर तरह की जिद को छोड़कर, कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव से हटकर आपको अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझते हुए कि आपका कनेक्शन कितना गहरा है, ऐसा इंसान आपके लिए मतलब वो फीलिंग्स रखेगा जो आप चाहते हैं। अब उनको पता चलेगा, महसूस होगा, फील होगा कि हमारा जो भी कनेक्शन था, जो मेरे पास कनेक्शन था, वो कुछ छोटा मोटा सिंपल कनेक्शन नहीं था, वो अंदरूनी तौर पर गहराई से जन्मों जन्मों का साथ था, जिसके बिना एक पल भी, एक सांस लेना भी मुश्किल है। तो मैं मतलब उस चीज को वो फील करेंगे। इस 12-12 के पोर्टल के बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी अमेजिंग, अद्भुत, अचानक से आप देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे विजन्स आ सकते हैं। अवेयरनेस में आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे विजन्स जो आपको ध्यान करना है, कैरी करना है और उसको मतलब समझना है कि क्या आपको संकेत मिल रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा पूरे प्योरिटी से, अपना प्योर लव लेके, क्योंकि अब इसको अपने कनेक्शन की समझ आ रही है, इसको इंट्यूशंस हो रही है, इसकी थर्ड आई ओपनिंग एक्टिवेशंस हो रही है, इसको समझ आ रही है कि ये कनेक्शन भले ही दुनिया में कुछ रहे ना रहे, लेकिन ये कनेक्शन कहीं नहीं जाना चाहिए, ये कनेक्शन इसके लिए बहुत जरूरी है। इस अवेयरनेस में आते ही ये इंसान आपकी तरफ आने की सोचेंगे और फिर उसके बाद वाओ, जैसे ही ये दिसंबर की एंडिंग होगी और उसके बाद जनवरी होगी, मतलब न्यू बिगनिंग से स्टार्ट होगा। ये काफी लोग दिसंबर की 21 तारीख के बाद भी आपको मिल सकते हैं, मतलब आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक समझ नहीं आता कि वो आएंगे भी कि नहीं, तो वो इंसान आपको दिसंबर की 21 के बाद कभी भी किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर जनवरी तक आपको मतलब ये चीजों की आपको क्लैरिटी आ सकती है। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो इंसान जिस पर कुछ स्पेल्स हुए हैं या कुछ अवेयरनेस में नहीं है, तो अगर ऐसा ऐसा होगा कि वो आएंगे ही आएंगे, अपने सोल कनेक्शन को समझेंगे ही समझेंगे, तो आपकी साइड कोई न्यू लव भी आ सकता है। लेकिन 1000% यही पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया है, आपसे दूर हुए हैं, यही पर्सन एक न्यू लव के साथ आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, दोबारा से आपकी तरफ आने के लिए सोचेंगे। इनको अभी तक जो चीजें इनको समझ नहीं आई थी, अब इनको वो आपके साथ वो पैशनेट लव, वो आपकी यादें, पुरानी यादें, किस तरह से आप दोनों की बॉन्डिंग, हर चीजें याद आएंगी इनको, इतनी याद आएगी आपकी कि ये रह ही नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद जब ये सोच लेंगे तो उसके बाद आपकी तरफ ये बढ़ेंगे और आपको मिलने जरूर आएंगे 110%। ये आपके लिए खुद वेट करेंगे। अब इनकी तरफ से जो भी होगा बिल्कुल प्योर रियलिटी में होगा और आप देखते रह जाएंगे, आपको समझ आएगा कि इस इंसान के साथ क्या हुआ था, या फिर आप समझते रह जाएंगे, आपको महसूस होगा जो आपने कर्मास क्लीन किए हैं। अगर आपने अच्छे से अपने कर्मा क्लीन किए हैं तो ये आपके कर्मास की अपनी भी कहानी थी कि ये पर्सन आपको दूर छोड़कर गया, ताकि आप अपने कर्मों पे काम कीजिए करें और अपनी अवेयरनेस में अच्छे से आएं। और
कर्मा क्लीनिंग के बाद अपने आप को उस क्लैरिटी में लेकर आए जहां पर डिवाइन आपको लाना चाहते हैं। इसी वजह से ये इस इंसान ने आपसे जो स्पेशल लिया था, ये यही वजह थी। और इसके सभी तरह के स्पेल इससे टूट जाएंगे, खट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तब ये प्योरिटी से आपकी साइड ही आने वाले हैं। ओके, तो 12-12 का पोर्टल आपके लिए लाने जा रहा है बहुत सारी खुशियां, बहुत ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी अबंडेंस, क्या क्या नहीं मिलने वाला। आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस रखें, फोकस बनाए रखें, उस पर से फोकस मत हटाना, है ना। अपनी हर चीज को लगातार करते रहें। किस तरह से आपके अंदर ये दैवीय शक्ति प्रवेश करती है, किस तरह से आप उस दैवीय शक्ति में परिवर्तन परिवर्तित हो सकते हैं, इस पर मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग लाने जा रही हूं। आपको बताऊंगी कि कौन सी दैवीय शक्ति आपके साथ चलती है और किस तरह से वो आप में काम कर, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक फेमिनाइन को अपना रोल अदा करना है, किस तरह से एक फेमिनाइन कौन से रोल्स को अदा करते करते किस तरह से अपनी जर्नी के एंड तक पहुंचती है, किस तरह से अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं। क्योंकि अगर जिस वक्त पर आप ये चीज समझ जाओगे कि कौन सी चीजें आपको उलझा रही हैं, कौन सी जगह से आपका फोकस हट रहा है, और किस दैवीय शक्ति को आपने किस वक्त पर किस तरीके से साथ में लेके चलना है, जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो बहुत ही स्मूथली उसको पार कर पाएंगे, बहुत ही स्मूथली उस पर काम कर पाएंगे, और अवेयरनेस में रह पाएंगे कि जो होगा वो आपके प्रति बिल्कुल प्योरिटी से डिवाइन आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आपके साथ ये जो भी चीजें बन रही हैं वो सिर्फ इसीलिए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है, आप एक डिवाइन पर्सन है। तो आपको उस जगह पर जाना ही है जहां पर परमेश्वर आपका वेट कर रहे हैं, है ना। तो 12-12 पोर्टल पर कल आपने 12:12 पर थोड़ी देर के लिए बैठना है, मेडिटेशन करना है पूरे 12 मिनट के लिए, रात को, सुबह, हालांकि यहां पर पूरा दिन ही मैं आपको कहूंगी कि अपने फोकस बनाए रखने। काफी लोगों का यहाँ पर कुछ मूड स्विंग हो सकता है, मूड खराब हो सकता है, शायद आज भी हो रहा। और अगर आपका मूड आज भी खराब है, मायूस है, आप कहीं ना किसी ना किसी वजह से आपकी आंखों में एक आंसू भी आ गया है, अगर तो रोकिए, रोकिए उस आंसू को, थम जाइए। अगर किसी पे गुस्सा नाराजगी आ रहा है तो थम जाइए, रुक जाइए यहीं पर, आंसू आने दीजिए, पानी की तरह बह जाने दिए। दिल के अंदर किसी के लिए कोई भी गलत चीज मत रखिए, दिल के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें मत आने दीजिए, क्योंकि कल अमावस है और 12-12 का पोर्टल है। किन्हीं चीजों में आपको उलझा कर बैक लेके जा सकते हैं, मतलब आपको बैक कर दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आपका टेस्ट चल रहा है, बड़ा जबरदस्त फाइनल टेस्ट पर है आप, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू 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 नए यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये फाइनल टेस्ट इस साल का एग्जाम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेवल पर आप प्योरिटी से फ्लाइंग बिल्कुल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं और उड़कर हवाओं के अंदर क्या करें, स्लाइड करें, आगे जाएं और यात्रा को अपनी बढ़ाएं, है ना। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जो बटन है, हार्ट का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप मुझे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी, बहुत अंबार भरा हुआ है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ और आपसे आपका साथ चाहती हूँ। हम मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं आपके साथ बनी रहूं, हमारी एनर्जी फ्लो करे और इस धरती पर एक सतयुग का निर्माण हो, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे विचारों के साथ, आप हमें और हम आपको स्वीकार करते रहें, ताकि जो भी हम सोल पर्पस लेकर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, एक दूसरे की मदद से उस सोल पर्पस को निभाते हुए परमेश्वर की रजा में रहकर परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं, और हर किसी इंसान के प्रति एक मनुष्यता का अच्छा दर्द हमारे अंदर, उस मनुष्यता के प्रति एक कृतज्ञता हमेशा बनी रहे, ग्रेटिट्यूड हमेशा बना रहे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि
प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और मैं भी आपसे मोटिवेट हो सकूं, मैं आपको मोटिवेशन दे सकूं ताकि मिलजुल कर इस धरती पर हम अच्छे सतयुग का निर्माण कर सकें। राधे राधे।